हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू रेखा दीक्षित किचन। आज मैं आपके साथ कच्चे पपीते से बनने वाले खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है और आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं और भगवान को प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं इसका। तो इसके लिए हम कच्चे पपीते को तोड़ लेंगे। देखिए, ये फ्रेश कच्चा पपीता है, इसे हम तोड़ लेंगे और इसी से आज खीर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरे गार्डन का पहला फल है, तो हमारे यहाँ जब भी कुछ पहला फल वगैरह होता है तो उसे भगवान को समर्पित करते हैं, तो मैं इसी से आज खीर बना करके भगवान को भोग लगाने वाली हूँ। सबसे पहले पपीते को धो लिया है मैंने। धोने के बाद अब इसके छिलके उतारेंगे, तो छिलके पूरी तरह से उतारने हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो अच्छा टेस्ट नहीं आता है इसका। अब इसे हम कट कर लेंगे, तो पहले दो पीस में कट कर लेंगे। अब चाहें तो आप डायरेक्ट इसे ग्रेट कर लें या तो फिर इसमें से और दो चार पीसेस कर लें, तो मैंने इसमें से और पीसेस कर लिए हैं, इसके चार पीस कर लिए हैं एक पीस में से। और ये देखिए, इसके बीज वाला जो हिस्सा होता है ना, जिसमें बीज होता है, इसके बीज का हिस्सा इसको निकाल देना है। अभी तो इसमें बीज नहीं है, ये बहुत छोटा पपीता है, इसलिए अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो पूरा पपीता एक जो था मैंने पूरा ही ग्रेट कर लिया है, और आप ये देख सकते हैं बारीक वाले ग्रेटर से किया है मैंने। अब इसे हम उबलते हुए पानी से धोएंगे। धोना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, अगर डायरेक्ट हम बना देंगे तो खीर फट जाती है, इसलिए इसे उबलते हुए पानी से एक से दो बार ज़रूर धोना है। तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, उतना ही डालना है जितने से पपीता डूब जाए और अच्छी तरह से वॉश हो जाए। तो बस इसे हम एक छन्नी से छान देंगे, और इसका जो पानी है ना बहुत हेल्दी है, तो इसे आप आटा वाटा गूंदने में यूज़ कर सकते हैं या किसी सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं। तो ये देख लीजिए, इसका पानी इतना बचा है, इसे अब हम साइड कर देंगे। पपीते को अच्छी तरह से छान लिया है, देख लीजिए अब इसमें पानी नहीं है। यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें मैंने एक चम्मच घी डाल दिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम इसमें भून लेंगे पहले। इस तरह से भुने हुए ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खीर में। तो काजू, बादाम और भी आप जो आपकी इच्छा हो डाल सकते हैं। पिस्ता मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, सब कुछ भून लेंगे हल्का सा कलर आने तक। साथ में थोड़ी सी चिरौंजी भी डाल दी है मैंने। अब इसे भून लेंगे, बस एक मिनट तक ही भूनना है। भून के इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा घी और डाल दिया है मैंने, अभी पपीते को भी भूनना है हमें इसीलिए, तो पपीते को भी डाल देंगे इसमें। अब इसे हम कम से कम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर भूनेंगे। पपीते को इस तरह से घी में जब हम भून लेते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इसका कच्चापन भी दूर हो जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 लीटर दूध। ये उबला हुआ दूध है, इसमें जब भी आप दूध डालें तो उबला हुआ ही डालें। तो यहाँ पे दूध उबला हुआ है, पहले से उबाल करके मैंने गाढ़ा करके रखा है, और इसे अब 5 मिनट तक और उबाल लेंगे ऐसे ही चलाते हुए साइड साइड से। और साथ में मैं एक चिटकी इसमें डाल रही हूँ केसर। केसर को थोड़ा पकने देते हैं साथ में, ताकि इसका सुंदर सा कलर आ जाए। खुशबू तो बहुत ज़्यादा नहीं आती है केसर की, लेकिन कलर बहुत सुंदर आ जाता है, हल्का सा लाइट येलो हो जाता है। अभी यहाँ पे केसर डाल दिया है मैंने, और केसर डालने के बाद गैस की फ्लेम हाई कर दी है, ताकि जल्दी जल्दी से हम पका लें इसे। और इसे साइड साइड से इस तरह से चलाते रहेंगे, और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर केसर का कलर आ गया है, दूध भी बहुत गाढ़ा हो चुका है। और साथ में चीनी ऐड कर देंगे, तो मैं इसमें 3 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद 2-3 मिनट और पका लेंगे हाई फ्लेम पर ही। तो चीनी डालने के बाद 3 मिनट तक और पका लिया है, ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए और चीनी का भी कच्चापन दूर हो जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, जो हमने पहले से ही भून करके रख लिया था। तो आधा मैं डाल रही हूँ, आधे से ज़्यादा ही डाल दिया है और थोड़ा सा बचा लिया है बाद में गार्निशिंग के लिए। और अब इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। लास्ट में इलायची का पाउडर डाल देंगे, तो 4-5 इलायची को कूट करके मैंने फ्रेश पाउडर बना लिया है, वही डाल दिया इसके अंदर और मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, और ये देखिए ठंडी होगी जैसे जैसे, थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। और अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। और ये हमारी कच्चे पपीते की खीर बनकर के तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है, और खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी है। इसे हमारे यहाँ शादियों में भी बनाते हैं, इसमें खोया भी डाला जाता है। आप चाहें तो इसमें बर्फ़ी भी मिक्स कर सकते हैं।
खीर को मैंने एक बॉल में सर्व कर दिया है और ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी मैंने डाल दिए जो पहले से भून करके रखे थे, वही वाले। अभी आपको मैं इसे दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी, ये देख सकते हैं आप, इसी तरह से होती है। और ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, अभी ठंडी होगी जैसे जैसे वैसे गाढ़ी हो जाएगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।